जब भी कुर्ग आता था तब समय के चलते कुछ ना कुछ काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती थी जो कि देखने लायक है और उसे देखना बनता ही है। वैसी ये एक जगह है यहाँ पे मडिकेरी में, यहाँ का वॉर मेमोरियल। अभी काफ़ी समय मिला ये देखने के लिए, ये एक्सप्लोर करने के लिए, अभी ये वॉर मेमोरियल हम देखने जा रहे हैं। ये घर सनी साइड के नाम से जाना जाता है। यहाँ की दीवारें यादें समेटे रखी हुई है उस महानायक की जिसने भारत के लिए अतुल्य सेवा प्रदान की हुई है। कुर्ग सीरीज के इस वीडियो में हम उसी महानायक के आशियाने को करीब से देखेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और सीरीज के इसके पहले की वीडियोस को भी जरूर देखें, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस खूबसूरत घर को ऐतिहासिक संग्रहालय में तब्दील किया गया। 6 फरवरी 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। तब से अब तक यह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जनरल थेमाइया के म्यूजियम में, तो ही इज़ अ कोडावा जनरल ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ। हमारा जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तब ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और यहाँ पे इनका घर है जो अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। इनकी सारी चीज़ें हैं और हमारे वॉर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं। जनरल थिमैया कोंडावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इस सेक्शन में उनके इसी रूट्स को प्रेजेंट किया गया है। ब्रिटिश कोडगू को कुर्ग और कोडावा लोगों को कुर्गिस कहा करते थे। कोडावा एक लड़ाकू जनजाति है। इंडियन डिफेंस को कई रैंक ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इस कम्युनिटी ने दिए हुए हैं। जनरल थिमप्पा और फील्ड मार्शल करियप्पा इसी रूट से निकले दो सुनहरे फल थे। कोडावा लाइफस्टाइल में शस्त्रों का ऊंचा स्थान है, ये उनकी पूजा करते हैं और ब्रिटिश काल से ही आज तक इन्हें हथियारों को साथ रखने के लिए कोई भी लाइसेंस ना रखने की छूट है। घर के पुरुष को समर्पित ये घर का कमरा हुआ करता था। थिमप्पा के पिता कॉफी बगान के मालिक थे। थिमप्पा के दो और भाई थे और वो भी भारतीय सेना में अफसर थे। आप यहाँ कोडावा की ट्रेडिशनल पोशाक देख सकते हो और आज भी ये लोग विशेष कारणों में इन्हें परिधान करते हैं। यहाँ पे ये रिक्रिएशन रूम नजर आती है, यानी कि मनोरंजन के साथ जमी खास महफिलें बहुत मायने रखती थी एक खास जीवन शैली में। जनरल थिमप्पा 1957 से 1961 में रिटायर होने तक इंडियन आर्मी में जनरल रहे, पर उनके करियर की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया में 1926 में हुई थी। कई बड़े मिशन को उन्होंने लीड किया था। 1948 में जम्मू और कश्मीर में उन्होंने 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से खदेड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। शायद उनको प्यार से टीमी कहते थे क्योंकि बहुत जगह ऐसे लिखा है। टीमीज मूवमेंट। ये कमरा था घर की महिला का। थिमप्पा की माँ एक उच्च शिक्षित महिला थी जो कि एक समाज सेविका भी थी। थिमप्पा को 3 बहनें भी थी।
एक्टिविटीज के लिए। ये पढ़ो ना, ये अच्छा है उनका। ये फोटो ले लो, मीना उनकी वाइफ। यस यस, मीना ही इसका डॉटर है। इसका स्टोरी है, हाउ दे मेट, हाउ दे मेट एंड दे गॉट एंगेज्ड इन वन डे। ओह, आफ्टर सीइंग सी हैज रिटन दैट्स मेंशन ना, यू कैन आई टेक अ पिक्चर। नहीं पढ़ लो ना, तू मेट कर तो है। She was a dancer. Yes. Dance step. Oh, nice. No, classical dancer. Yes. ये म्यूजियम सिर्फ जनरल थिमप्पा की दास्तान नहीं है, ये कई युद्धों की कहानियां भी है जिसकी गवाही यह कई वेपन्स देती है। घर के दूसरे तरफ को ये जोड़ रहा है, बहुत बड़ा है। ये सारे वॉर के मेमोरीज है। इस महानायक ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हुए उनके सारे मिशंस इस सेक्शन में आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर उन्हें 1964 में साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र बलों के कमांडर के रूप में नियुक्त किया। जागतिक स्तर पे भी इन्होंने अपना योगदान दिया, पर यह कार्यकाल सिर्फ एक साल तक संभव रहा क्योंकि 1965 में साइप्रस में कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह डाइनिंग हॉल उस निवाली का भी मानक है जो हमारे घर हमारे थालियों में परोसा जा रहा है। उस निवाली को जितने शांति से हम खा पा रहे हैं, उतनी सुरक्षा को बरकरार रख हमारे सैनिक सीमा पे डटे हुए हैं, और इसकी नींव रखते हैं जनरल थिमप्पा जैसे सुपर हीरो। घर से बाहर निकलते ही एहसास होता है ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक पावर हाउस था। सिर्फ एक म्यूजियम देखकर हम बाहर नहीं निकलते, बल्कि एक शक्ति मन में लिए हुए बाहर निकलते जिसे हम देशभक्ति कहते हैं।
जब आप कभी मडिकेरी आओ तो यहाँ जरूर आए। कुर्ग में सिर्फ कॉफी और स्पाइसेस की पैदाइश नहीं होती, बल्कि यहाँ पैदा होते जनरल थिमप्पा और फील्ड मार्शल करियप्पा जैसे वीर भी। देशभक्ति के जज्बातों में यहाँ जज्बे की कमी नहीं है। इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।